भारत में फैल रहे कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में निसंदेह बढ़त हासिल की है। उन्होंने अलग अलग ग्राफ के जरिए आंकड़े पेश किए और कहा कि देश में नए कोरोना के केस के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर लगभग दोगुनी हो गई है। दुनिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 मरीजों का औसत 1479 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 538 कोविड-19 मरीज हैं। इसी तरह प्रति 10 लाख की आबादी पर मृत्यु दर भी दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम है। दुनिया में कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर प्रति 10 लाख आबादी में औसतन 69.3 है, जबकि भारत में यह महज 15 है। भारत में एक्टिव केस और रिकवर्ड केस के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 जुलाई तक देश में 4,76,378 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,69,789 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह ठीक हुए मरीजों की तादाद इलाजरत मरीजों के मुकाबले 1.75 गुना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट में तेजी से वृद्धि हो रही है। 9 जुलाई को यह बढ़कर 62.09% पर पहुंच गई है। साथ ही आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर कोविड-19 का खतरा ज्यादा है। 44 साल की उम्र तक के सिर्फ 15% लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि शेष 85% मरीज 45 वर्ष और इससे ऊपर के हैं। देश में 60 से ज्यादा उम्र वालों की आबादी 10% है। इनमें से 53% लोगों ने कोविड-19 की वजह से दम तोड़ा है।